assalamu alaikum my dear mass channel aspirants today our topic is board mass rule what is the board mass rule board mass rule has very much importance in solving the simplification questions every use in everyday mathematics okay so what is the board mass rule so let's start our lecture okay now we have an expression oh, uh, we have two operation here ओके वन इज़ सब्सट्रैक्शन एंड द अदर इज़ मल्टीप्लीकेशन अच्छा अभी हम हमें क्या हमें नहीं पता कि वॉट इज़ द बॉडमॉस रूल हम अभी जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को तो अभी हम देखें इसको इसको अगर हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो इधर दो मैथड्स हैं हमारे पास क्या फर्स्ट uh, मैथड क्या है मैं टेन में से माइनस कर देती हूँ थ्री और मल्टीप्लाई कर देती हूँ टू से और दो अदर मैथड इज़ थ्री मल्टीप्लाई बाई टू एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन तो हम सॉल्व करते हैं द फर्स्ट मैथड इज़ दिस टेन माइनस थ्री into 2 10 minus 3 equals to 7 7 into 2 we get the answer 14 okay the other method is this 10 minus 3 into 2 first we did multiplication 10 minus 3 2 is 6 10 minus 6 equals to 4 so we get answer two types. Now we get answer fourteen and we get answer four. What is the in this question? The correct method is this, not this. Okay, because we uh, in this method we apply board mass rule. Okay, so what is the board mass rule? Now can I can explain what is the board mass rule? Mass stands for B for brackets, O for over, D for division, M for multiplication. A ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर if if इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अभी हम question भी solve करेंगे अगर हमारे पास question में सबसे पहले अगर हमारे पास priority क्या है सबसे first one pe हम क्या solve करेंगे Bracket solve करेंगे okay? तो ब्रैकेट्स भी हमारे पास कितनी टाइप्स की हैं थ्री टाइप्स की हैं वो क्वेश्चन में भी मैं आपको समझाती जाऊँगी ठीक है सबसे पहले हमारे पास क्या है राउंड ब्रैकेट देन curly ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट भी कहलाती है ये Uh, what is over 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 means if you have any exponent in the co expression okay just like uh, we have 3 uh, raised to the power 2 uh, over mean exponent so uh, first we solve uh, bracket then sec uh, at, uh, at second we uh, we are solving any power or any exponent in the question we solve this then division मल्टीप्लीकेशन फोर्थ वन इज मल्टीप्लीकेशन फिफ्थ एडिशन एंड सब नाउ सॉल्व एन एग्जाम्पल टू क्लियर अवर कॉन्सेप्ट अबाउट बॉड मास है पावर ऑल्सो तो वी सॉल्व फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट ओके ब्रैकेट ब्रैकेट में हमारे पास प्लस टू थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव मल्टीप्लाई बाय Six minus. Then we have what we do over. Over means an exponent over two, three power three. Two into three, two into two into two, two to the four, four to the eight. We get eight. Okay. Now, now what we are doing? First, we subtract or multiply. We just multiply because we have multiplication first, and then. एडिशन और सब्रेक्शन वी मल्टीप्लाई फर्स्ट फाइव सिक्स दर्टी देन माइनस एट थर्टी माइनस एट ट्वेंटी टू वी गेट आंसर देट इज ट्वेंटी टू ओकेफ यू आर नॉट अप्लाइंग बॉर्डमास रूल टू एनी एक्सप्रेशन वी गेट द रोंग आंसर ओके नाउ वी गेट द अद एग्जाम्पल द एग्जैम्पल इज दिस सेवन स्क्वायर माइनस टू इंटू एट डिवाइडेड बाई फोर फोर तो यू मस्ट अप्लाय बॉडमास रूल First we have to solve what what we solve this bracket, no bracket here. So what what we solve? Exponent is solved. 7 is, uh, 7 is square equals to 49. Okay. Minus 2 multiply by 8 divided by 4. I just solve only now. We can uh, divide it first. 49 minus 2. Multiply 8. 4, 4 divided by 8. We get 2. 4 1's are 4, 2's 4 are 8. We get 2. ओके नाउ फोर्टी नाइन माइनस वी डोंट डू माइनस बिकॉज वी वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टू टू ज फोर फोर्टी नाइन माइनस फोर इक्वल्स टू फोर्टी फाइव सो वॉट इज वी गेट अवर आंसर द आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट वी हैव आंसर फोर्टी फाइव ओके एसपरेंट तो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है बॉड मास्क की देखें इसमें हमारे पास क्या है फ्रैक्शंस वैल्यूज है सारी ठीक है फ्रैक्शन वैल्यूज़ उसके बाद हमें क्या है इसमें हमारे पास कितने ऑपरेशन हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न एंड एडिशन तो अप्लाई करते हैं इसको सोल्यूशन सॉल्व कर, करना शुरू करते हैं देखें सबसे पहले क्या है ब्रैकेट नहीं है ना कोई एक्सपोनेंट है तो सबसे पहले हमें क्या है सोल्व करना है डिवीज़न देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन तो हमने ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फ़ोर तो वैसे ही लिख लिया ये फ्रैक्शन हमारे पास वैसे ही आ गई मल्टीप्लाई बाय एट अपॉन सिक्सटीन हो गया ये ठीक है अच्छा डिवाइड को बहुत इजी है सॉल्व करना डिवाइड को जब हम क्या करते हैं डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद जो भी हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होती है उसको हम अपोजिट या और उसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं एट अपॉन ट्वेंटी फोर है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका ट्वेंटी फोर अपॉन एट प्लस फाइव अपॉन फोर अब देखें यहाँ जो तीनों जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है उनमें सब में क्या है मल्टीप्लीकेशन हो रही है डेन एडिशन है हमारे पास तो मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं देखें अब मल्टीप्लीकेशन ईजी है एट से एट कैंसिल हो गया ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी फोर कैंसिल हो गया ठीक है तो फोर सिक्स कैंसिल कर देते हैं फोर के टेबल में ट्वेल्व भी आता है और सिक्सटीन फोर 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 थ्री ज़ा ट्वेल्व एंड फोर फोर ज़ा सिक्सटीन तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया थ्री अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन फोर देखा कितना सिंपल था जब हमने कैंसिल किया तो जस्ट हमारे पास ये रिमेनिंग हो गई तो अब हमें पता है कि जब हमारे पास मल्टी एडिशन हो और कोई भी हमारे पास फ्रैक्शंस वैल्यूज़ हो तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं एलसीएम एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से फोर फोर से फोर कैंसिल थ्री प्लस फोर से फोर कैंसिल फ़ाइव तो हमारे पास आंसर क्या आ गया फाइव वन थ्री एट अपॉन फोर और देट फोर वन ज फोर फोर टू जेड वी गेट द आंसर टू हाउ मच इजी दिस क्वेश्चन इज ओके एसमेंड अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन तो हमने अभी स्पीड से करना है ठीक है अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास डिवीजन है यहाँ पर या मल्टीप्लीकेशन है यानी कि दोनों ब्रैकेट है हम ब्रैकेट को सॉल्व भी कर सकते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया थर्टी इंटू टू थर्टी से मल्टीप्लाई हो गया तो हम सिक्सटी हो गया माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व को डिवाइड करना है सिक्स से तो क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया टू से और डिवाइडेड किससे करना है टू अपॉन थ्री से ठीक है तो ये डिवाइडेड साइन है ना तो हमारे पास ऊपर अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी माइनस सिक्स फिफ्टी फोर और प्लस टू और हमारे पास आ गया नीचे टू अपॉन थ्री तो इक्वल्स हो गया क्या फिफ्टी सिक्स अब देखें फिफ्टी सिक्स ये यह यहाँ डिवाइड हो रहा है टू अपॉन थ्री जब मैं ऊपर इसको लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो ये रस ब्रोकर हो जाती है टू अपॉन्ट थ्री थ्री तो यहाँ आके चाहे क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू हो जाएगा ठीक है तो थ्री अपॉन टू हो गया हमारे पास अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमने सॉल्व कर लिया अगर पहले कैंसिल कर देते हैं टू से टू वन जा टू 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 ज़ा फोर टू एट ज़ा सिक्सटीन तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एट थ्री एट ट्वेंटी फोर टू एंड टू कैरी थ्री टू जिक्स एंड टू एट वी गेट द आंसर दैट इज़ एट्टी फोर इज आवर आंसर ओके स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन अच्छा इन दिस क्वेश्चन यू हैव सीन अ बार अ बार ऑन ऑन द फ्रैक्शन हाउ कैन बी सॉल्व द बार बार इज अ टाइप ऑफ अ ब्रैकेट ऑल्सो ये भी कह रहे हैं तो बार को सॉल्व करना बहुत आसान है बार को हम कैसे सॉल्व करते हैं जस्ट हम बार के नीचे जो नंबर जो साइन होता है ना जस्ट हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी कि यहाँ माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर प्लस होता तो वो माइनस में हो जाता तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे पहले तो हम जो मिक्स टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे फोर अपॉन फाइव डिवाइडेड साइन फाइव टू ज़ा ये मल्टीप्लाई करते हैं फाइव टू ज़ा और इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं फाइव टू ज़ा और वन क्या हो गया अलेवन अलेवन अपॉन फाइव माइनस अब मैंने आपको बोला था कि हम इस बार को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये माइनस साइन था तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन हो जाएगा ओके टू वन ज टू ये मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या करते हैं प्लस करते हैं टू वन ज टू और वन थ्री थ्री अपॉन टू अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमने पहले क्या सॉल्व करना है हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है ब्रैकेट ही सॉल्व होता है यानी कि ब्रैकेट के फोर टाइप्स आप कर सकते हैं कि इसमें आप बार भी इंक्लूड कर दें कि अगर सबसे पहले बार होगा सॉल्व क्वेश्चन में तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा फिर ब्रैकेट सॉल्व होंगे उसके बाद हम जो अदर ऑपरेशन हैं वो सॉल्व करते हैं ओके तो अब हम इस इसको सॉल्व करते हैं फोर अपॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय हम अब यहाँ एल ले सी एम ले लेते हैं या सबका एल सी एम एक साथ ले, ले लेते हैं तो हम पहले या दो का आ, मैं इजी वे में समझाती हूँ तो पहले दो टर्म का एल सी एम ले लेते ले हैं हम एलेवन अपॉइंट फाइव माइनस थ्री और सिक्स प्लस टू फाइव जन फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन ये हो गया हमारे पास सॉल्व सिक्स प्लस फिफ्टीन अपॉन टेन आ गया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ये हम मजीद एलसीएम ले, ले लेते नहीं पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको डिवाइडेड बाय एलेवन अपॉन फाइव माइनस सिक्स प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी वन अपॉन टेन ओके नाउ अब हम फिर भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या एलसीएम हो जाएगा यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारे पास टेन क्योंकि फाइव मल्टीपल है टेन का तो आपके पास आंसर क्या एलसीएम क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा डायरेक्टली बता दिया मैंने आपको तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम सी एम टेन फाइव टू ज टेन टू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे एलेवन से तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी टू ओके माइनस टेन से टेन कैंसिल ट्वेंटी वन आ गया हमारे पास तो ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ गई फोर अपॉन फाइव डिवाइडेड बाय वन अपॉन टेन ओके क्योंकि ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन तो वन अपॉन हमारे पास क्या आ गया वन अपॉन टेन आ गया हमारे पास तो अभी मैंने आपको बताया जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में कि डिवाइड्स को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है क्या करना होता है फोर अपॉन फाइव डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई एंड देन अब रेसिप रोग कर दें वन अपॉन टेन है तो क्या हो जाएगी टेन अपॉन वन तो फाइव वन जा फाइव फाइव टू ज़ा टेन नीचे कैंसिल हो गया फोर टू ज़ा एट तो यू गेट द आंसर दैट इज एट बॉर्ड मास रूल में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है सारे को क्वेश्चन या सारे ऑपरेटर्स uh, का तो आप बहुत जल्दी इसको सोल्व कर लेंगे ओके स्टूडेंट एंड अदर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हम मैंने लिए पॉइंट्स वाली ओके okay? बट इसमें आप देखिए इसमें राउंड ब्रैकेट भी है इसमें कर्ली ब्रैकेट भी है उसमें बिग ब्रैकेट भी है या स्क्वायर ब्रैकेट भी है सही है तो हम उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ठीक है तो बाकी सब कुछ हम वैसे ही लिख देंगे जैसे क्वेश्चन में है फाइव पॉइंट नाइन प्लस टू पॉइंट फोर मल्टीप्लाई ओके okay, तो राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या किए ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो फाइव अभी मैंने आपको बताया डिवाइडेड को क्या कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई साइन में तो फाइव था वन अपॉन फाइव हो जाएगा ये माइनस थ्री पॉइंट टू ब्रैकेट क्लोज माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट ज़ीरो सेवन मल्टीप्लाई बाय पॉइंट टू ओके अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को तो हम सॉल्व करते हैं इसको फाइव से कैंसिल कर देते हैं फाइव वन जो फाइव 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 ज़ा ट्वेंटी फाइव ओके टू कैरी चला गया पॉइंट वैसे ही आ गया टू इसमें कैरी आ गया तो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी और फाइव वन ज़ा फ़ाइव तो ये पूरा सॉल्व होके क्या आ गया फ़ाइव पॉइंट फोर फाइव तो मैं इसकी जगह लिख दूँगी फ़ाइव पॉइंट फोर फाइव नहीं फाइव पॉइंट फोर तो ये पूरा सॉल्व हो क्या आ गया फाइव पॉइंट फोर वन माइनस थ्री पॉइंट टू बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारा वैसे ही रहेगा 5.9 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय ये सॉल्व हो के गया हमारे पास क्या आ गया 5.41 5.41 फोर वन फाइव पॉइंट माइनस थ्री पॉइंट टू एंड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट टू अब हमने क्या राउंड ब्रैकेट में क्या मजीद क्या रह गया हमारे 5.41 में से माइनस कर देना है हमने 3.2 तो ये देखें 5.41 माइनस करने का मतलब पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए फोर पॉइंट टू तो माइनस करना है इसको वन अपनी जगह आ गया फोर में से टू माइनस किया टू पॉइंट के लिए पॉइंट फाइव में से थ्री गया टू तो आंसर क्या आ गया टू पॉइंट टू वन तो हमने लिख लिया अब ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट जब सॉल्व हो गई तो हमारे पास जो आंसर आया वो लिख दिया फाइव पॉइंट नाइन प्लस टू पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट टू वन माइनस ब्रैकेट खत्म हो गया माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो एट ज़ीरो कर ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड पॉइंट टू ओके नाउ अब हम क्या करेंगे देखें अब हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट तो कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास जो ऑपरेशन है उसमें एक मल्टीप्लीकेशन है एक एडिशन है और एक सब्टेक्शन है तो सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करना है फोर टू पॉइंट फोर को मल्टीप्लाई करना है टू पॉइंट टू वन से तो टू पॉइंट टू वन मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फोर ओके फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट एंड फोर टू जा एट साइन टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर एंड टू टू ज़ा फोर तो हमारे पास क्या आ गया फोर एट और टू टेन जीरो वन कैरी एट फोर ट्वेल्व वन थर्टीन वन फाइव और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है वन टू थ्री थ्री पे डेसिमल है तो वन टू थ्री हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन हो क्या आ गया फाइव पॉइंट थ्री ज़ीरो फोर ठीक है तो ये हो गया फाइव पॉइंट नाइन प्लस विकर्ली ब्रैकेट है हमारे पास ये हमारे पास हो गया फाइव पॉइंट थ्री ज़ीरो फोर माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो एट ज़ीरो एंड देन पॉइंट टू ओके अब हमने क्या करना है अब एडिशन भी कर सकते हैं हम एडिशन इनके एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो हमारी ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी सही है तो हम आप पेपर ऐड करते हैं इसको ओके okay, तो हमने ऐड किया 5.304 में ऐड करना है क्या 5.9 देखिए फाइव पॉइंट थ्री जीरो फोर पॉइंट के नीचे पॉइंट फोर फोर जीरो नाइन थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व टू वन कैरी फाइव और फाइव टेन और वन इलेवन 11.204 पॉइंट टू जीरो फोर तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 11.204 पॉइंट टू जीरो फोर इसमें से माइनस करना है हमने .080, जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो ओके एलेवन पॉइंट टू ज़ीरो फ़ोर में से माइनस क्या करना है हमने ज़ीरो पॉइंट जीरो एट जीरो सेवन तो देखिए एवन पॉइंट टू जीरो फ़ोर में से मैंने सब कर दिया ज़ीरो पॉइंट जीरो एट जीरो सेवन तो सेवन के ऊपर हमारे पास कोई डिजिट नहीं हमने जीरो लिप्ले प्लेस कर दिया तो टे फोर ने कैरी दे दिया ज़ीरो को तो ये हो गया टेन टेन में से सेवन गया थ्री यहाँ क्या हो गया कैरी दिया तो फोर थ्री हो गया टू ने हमें ज़ीरो को कैरी दिया टेन हो गया टेन में से एट गया टू यहाँ वन रिमेनिंग था पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया और इलेवन अपना एलेवन तो इसका आंसर आ गया हमारे पास एलेवन पॉइंट माइनस करने के बाद एलेवन पॉइंट वन टू थ्री थ्री अब इसको मल्टीप्लाई जस्ट कर क्या कर देना हमने पॉइंट टू से हमने मल्टीप्लाई कर देना पॉइंट टू से एंड वी गेट द आंसर ओके भाई आप मल्टीप्लाई करते हैं एलेवन पॉइंट वन टू थ्री को हमने क्या मल्टीप्लाई करना है पॉइंट टू से मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये मल्टीप्लीकेशन होगी टू थ्री दस सिक्स टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू एंड टू वन जॉ टू डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है हमारे पास वन टू थ्री फोर ये फोर हो गया और एक वन फाइव यानी कि दोनों डिजिट के डेसिमल्स काउंट होते हैं जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसके आंसर में तो फाइव प्लेसेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ आएगा हमारा डेसिमल तो वी गेट द आंसर टू पॉइंट टू टू फोर सिक्स सिक्स दिस इज़ आवर आंसर